जम्मू पुलिस ने जो जेके बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जो हत्या की गई है उसके दोनों आरोपियों को महज चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। ये जो दोनों आरोपी हैं, आपको बता दें, दोनों बांडीपुरा से हैं, कश्मीर के, मोहम्मद कैफ और बशीर लोन। ये दोनों आरोपी जो हैं, ये बताया जा रहा है कश्मीर के बांडीपुरा से हैं और पुलिस ने महज चंद घंटों में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको याद होगा जिस तरह से कल 8:30 के करीब जो ATM में सिक्योरिटी गार्ड की जो हत्या की गई थी वो यही युवक थे। और शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि जो दोनों आरोपी जो हैं वो दोनों आरोपी लूट की मंशा से इस तरह से गए थे और उस जो है उसे गिरफ्तार किया। उस वक्त SSP जम्मू है क्या कुछ कह रहे ATM में जिस तरह से यूँ हुआ, चुनौती तो पुलिस के लिए भी बढ़ गई क्योंकि आप देखिए कई ATM ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं लेकिन उनके पास ना कोई वेपन है। अब इसमें पुलिस के लिए क्या चुनौती रहेगी, क्या बैंक से ये कहा जाएगा कि जितने भी आप सिक्योरिटी गार्ड्स अपने ATMs पर डिप्लॉय करवाते हैं उनको या तो कोई वेपन दीजिए या फिर जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि ये कंपनीज़ भी तो सिर्फ इनका ठेका लेना होता है, इनको तो पैसे से मतलब है, लेकिन जो काम जिम्मा है वो तो पुलिस का ज़्यादा बढ़ गया ना। देखिए ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये सब लोगों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जैसे बैंक्स हैं, बैंक की तरफ से जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पे ये देखा गया कि रिटायर्ड आर्मी पर्सनल वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। हम बैंक के जितने भी यहाँ पे जो प्रतिनिधि है सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को बुला के उनके साथ बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग सब लोग मिल के एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बना देंगे जिससे कि ये चोरियाँ रोकी भी जा सके और इस तरीके की वारदातें दोबारा ना हो उसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जा सके। सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से ये जो वारदात हो रही है, कल दो मर्डर जो हैं देखने को मिले, ठीक है पुलिस तो अपना काम बड़े बेहतरी से कर रही है, आपने बड़ी जल्दी ये भी सॉल्व कर दिया मर्डर केस जो था, लेकिन इन चीज़ों को फिर भी अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, इनको किस तरह से रोकने के लिए क्या रणनीति होगी आपकी? प्रिवेंटिव एक्शन जैसे मैंने अभी कहा, प्रिवेंटिव एक्शन हमने बढ़ा दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे जिनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है उन लोगों के खिलाफ की कार्रवाई बढ़ाई हुई है, उनको थाने में बुलाया जा रहा है, उनको पूछताछ हो रही है, साथ ही साथ जिन लोगों के पास वेपन वगैरह है जो हिस्ट्री शीटर्स है जिनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके खिलाफ भी की भी कार्रवाई हमने बढ़ा दी है, उनके वेपन्स वापस लेना और बाकी उस तरीके की कार्रवाई। और जहाँ तक जिनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनके हाथ से कोई क्राइम हो जाता है तो उसके लिए आपसे मैं सजेशन चाहूँगा क्या किया जा सकता है। जी